कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 10 आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या प्रूव करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रूव करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन वन टू इनफिनिटी ओपन इंटरवल, इस इंटरवल की स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो वी हैव, हमारे पास फंक्शन क्या है, तो हमारे पास f डैश x जो है क्या है, 1 अपॉन x के बराबर जो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। कोई भी इसमें पॉजिटिव नंबर हम पुट करें, 0 टू इनफिनिटी अगर तो पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर 0 पुट नहीं करनी है, 0 से ग्रेटर कोई पॉजिटिव नंबर पुट करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। x का कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो 1 अपॉन में ग्रेटर देन 0 ही आता है, तो डेरिवेटिव 0 है, इसको देयरफॉर मैं कहूंगा fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है इन 0 टू इनफिनिटी ओपन इंटरवल में। नेक्स्ट देखो, इसमें प्रूव कर रहा है x2 - x + 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फ्रॉम -1 to 1 ओपन इंटरवल। इस इंटरवल की फंक्शन ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए हम टर्निंग पॉइंट ढूंढते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, वी हैव यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया हमारे पास, x2 - x + 1 दिस इज द फंक्शन। तो विच इंप्लाइज दैट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, f(x) x2 का डेरिवेटिव क्या है 2x और x का 1 फॉर टर्निंग पॉइंट्स वी पुट, टर्निंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं इस f(x) को 0 पुट करते हैं, विच इंप्लाइज दैट 2x - 1 = 0, विच इंप्लाइज दैट 2x की वैल्यू 1, विच इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या निकली 1/2। अब देखो द पॉइंट, एंड नाउ x की जो वैल्यू 1/2 डिवाइड्स इंटरवल किस इंटरवल की बात है, -1 to 1 ओपन इंटरवल पे हमने चेक कर रखा है। इस इंटरवल का ही ये पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, इस इंटरवल को डिवाइड्स इंटरवल इनटू टू डिसजॉइंट इंटरवल, टू डिसजॉइंट इंटरवल बना रहा है। इंटरवल्स नेमली वो इंटरवल कौन कौन से आ रहे हैं, एक आएगा 0 -1 to 1/2 ओपन इंटरवल, और दूसरा क्या आएगा 1/2 to 1 ओपन इंटरवल। इन इंटरवल्स को चेक करते हैं, पहले इन द इंटरवल, पहले इंटरवल के -1 to 1/2 ओपन इंटरवल को चेक करो, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा f(x), फंक्शन डेरिवेटिव को मैं पुट करो कोई भी इंटरवल का पॉइंट, इस इंटरवल का पॉइंट क्या आएगा 0 भी इंटरवल में लाई करता है। देखो ना, हम बात कर रहे हैं इस इंटरवल की -1 to 1, तो यहाँ पे पॉइंट 1/2 है, 1/2, तो -1 के बाद क्या आएगा 0 आएगा, 0 आएगा फिर 1/2 के लिए पॉइंट 1 आएगा। तो इस इंटरवल की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें 0 कोई भी पॉइंट इसको पुट करें, मैं 0 पुट करो तो ये किसके बराबर आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव है 2 × 0 - 1 किसके बराबर आता है -1 के बराबर, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है इज नेगेटिव, डेरिवेटिव फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली
आन माइनस वन वन बाई टू इस इंटरवल फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं। फिर दूसरे इंटरवल में देखो इन द इंटरवल वन बाई टू टू वन ऑपोजिट वन इसमें चेक करो फंक्शन डायरेक्टली आएगा वन बाई टू टू वन इस इंटरवल में कोई पॉइंट हो सकता हूँ टू बाई थ्री इसका एक पॉइंट आएगा है ना टू बाई थ्री का मतलब जीरो पॉइंट सिक्स 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 ये इसमें डायरेक्टली पुट करो टू इंटू टू बाई थ्री माइनस वन क्या वैल्यू देता है ये आ जाएगा माइनस वन अच्छे से बाहर माइनस वन ये आ जाएगा टू टू जर फोर बाई थ्री माइनस वन और वैल्यू क्या आएगी थ्री वन जर थ्री फोर प्लस थ्री है तो वन बाई थ्री वैल्यू होगी। तो डायरेक्टली फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव और पॉजिटिव इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहा है सॉरी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल इंक्रीजिंग ऑन वन बाई टू टू वन ओपन इंटरवल फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो ये दो इंटरवल जिसके दो इंटरवल्स बने थे पहले ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है फिर वन बाई टू के बाद इंक्रीज कर रहा है इसी इंटरवल में इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ ना इधर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग लिखेंगे इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग पहले देखो इसका क्या है हमारे पास फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है 0 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में हमने चेक करना है कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास फंक्शन क्या है cos x फंक्शन cos x है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस sin x ये डेरिवेटिव क्या है साइन एक्स। अब देखो इस इंटरवल में 0 टू पाई बाय 2 में क्या होता है इस इंटरवल में देखें तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है साइन एक्स इज पॉजिटिव या साइन एक्स फंक्शन ग्रेटर देन 0 आएगा और साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है व्हिच इंप्लाइज दैट माइनस साइन एक्स लेस देन 0 आ जाएगा माइनस साइन एक्स लेस देन 0 है तो ये इंप्लाई करता है इसको एफ डैश एक्स लेस देन 0 इस इंटरवल में फंक्शन डेरिवेटिव 0 से लेस है इसका मतलब इस इंटरवल में क्या कर रहा है डिक्रीजिंग ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग हो रहा है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह आप सेकंड में चेक करो सेकंड में हमारे पास fx क्या दिया गया है cos 2x इसका डायरेक्टिव निकालो एफ डैश एक्स इससे बराबर आ जाएगा इसका माइनस टू साइन टू एक्स कॉस टू एक्स साइन टू एक्स और टू एक्स में क्या आएगा टू तो कॉस एक्स माइनस साइन टू एक्स टू ये इसका डायरेक्टिव निकला बट यहाँ पे इंटरवल क्या है हियर जीरो टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल है इसका मतलब क्या होता है 0 से ग्रेटर एक्स या लेस देन पाई बाई टू और टू एक्स की बात करूँ विच इंप्लाइज दैट इसका आ जाएगा 0 से ग्रेटर होगा टू एक्स इज लेस देन टू से मल्टीप्लाई टू इंटू जीरो से जीरो टू इंटू एक्स का टू एक्स एंड इज लेस देन टू इंटू पाई बाई टू पाई इसका मतलब इस इंटरवल में 2x एंड 2x के लिए क्या आ जाएगा वापस इंटरवल 0 टू पाई 0 टू पाई में चेक करना इस 0 टू पाई में देखें 0 टू पाई इंटरवल की बात करें
हमारे पास क्या आ रहा है, साइन फंक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है, साइन फंक्शन जो है इंक्रीज, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में साइन फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और साइन पीएक्स कौन सी वैल्यू देता है पॉजिटिव वैल्यू, और साइन पीएक्स पॉजिटिव देगा माइनस साइन पीएक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इंप्लाइज दैट माइनस टू साइन पीएक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ये क्या इसका मतलब फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस नेगेटिव है, फंक्शन डेरिवेटिव नेगेटिव इसके भी इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ का देखो, थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करो कैसे करने हैं, इसमें से भी एंगल थ्री एक्स के लिए इक्वल कौन सा आया आ जाएगा, जैसे इसके लिए निकाला हमने तो फिर थ्री से मल्टीप्लाई करना है, जीरो से ग्रेटर होकर थ्री एक्स और लेस देन होकर थ्री बाई बाई टू के बाद। इस पर क्वेश्चन नंबर 13 में देखना है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें सॉरी किस इंटरवल में स्ट्रिक्ट डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्वेश्चन नंबर 13 में वी हैव एफ एक्स किसके बराबर दिया गया है, एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, इसका डेरिवेटिव निकालो एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एक्स पावर 100 एक्स पावर 99 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और माइनस 1 हो जाएगा इसका। तो टर्म वाइज इंटरवल को चेक करो, पहले इंटरवल क्या 0 टू ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करें हम तो क्या आ जाएगा, एक्स 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये क्या एक्स की पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर में जब यहाँ पर पुट करूँगा इसका मतलब फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर पुट किया रेडियंस में तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर का ओवरऑल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इस इंटरवल में क्या करेगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव क्या है इंक्रीज, हमने देखा कि इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसी तरह आप बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या इसका कौन सा इंटरवल दिया गया पाई बाई टू टू पाई, ये रेडियंस में तो रेडियंस में देखें तो पाई बाई टू भी एक क्या पॉजिटिव नंबर भी है, पाई बाई टू और पाई बाई टू ये कौन सा पॉजिटिव इंटरवल आता है, तो यहाँ पे मैं किसी पॉजिटिव नंबर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्स की पॉजिटिव पाई बाई टू से ग्रेटर वैल्यू दूंगा ये भी पॉजिटिव नंबर की आएगी और ये भी पॉजिटिव आएगा, नहीं ये नेगेटिव आएगा पाई बाई टू टू पाई कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, बट ये बहुत स्लाइटली लेस होगी, इससे बहुत ज़्यादा कम होगी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, ये नेगेटिव है बट ये बहुत छोटी होगी और बड़े पॉजिटिव से छोटे नेगेटिव को माइनस करेंगे, ओवरऑल नेगेटिव क्या आएगा इसमें भी पॉजिटिव आएगा, इसके मतलब इसमें भी इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो इसका थर्ड में भी ये इंक्रीज करेगा, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नाना बी सी आना है। 14-15 में से एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ मैं, 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन क्या है, 14 में एक वैल्यू फाइंड करनी है डेरिवेटिव निकालो उसका, फिर उस पर इस इंटरवल में पुट करो डेरिवेटिव, इन केसिंग फंक्शन है डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पुट करके देखो कि एक वैल्यू क्या निकलती है, इसमें इंटरवल आई डिस्टिंग फ्रॉम दिस फंक्शन आप क्यों स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग आना है, इसके अलावा माइनस वन टू वन इसके अलावा कोई इंटरवल नहीं आई, तो इसमें प्रूव करना ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्ट इंक्रीज कर रहा है, वी हैव एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये फंक्शन दिया गया है और इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 अपॉन एक्स में क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या सीधा लिखा इसका 1 इसको माइनस प्लस माइनस का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऐसे ही कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका देखना है फॉर टर्निंग पॉइंट्स करते हैं,
उसकी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। और एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस वन। इसको हम 100 पॉइंट्स निकलेंगे। द नाउ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड्स द रियल डोमेन, डिवाइड्स द रियल डोमेन इनटू रियल डिवाइड कर रहा है थ्री डिस्जॉइंट इंटरवल्स, डिस्जॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है। इंटरवल्स कौन कौन से हैं, ये एक आएगा हमारे पास थ्री डिस्जॉइंट इंटरवल्स है, एक आएगा हमारे पास माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन, ये रियल डोमेन होगा, रियल डोमेन होता है इस साइड माइनस इनफिनिटी, इस साइड इनफिनिटी, पॉइंट्स हमारे पास माइनस वन और वन है, ये एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन ये डिस्जॉइंट इंटरवल्स आएंगे। दूसरा है माइनस वन टू वन एंड तीसरा है वन टू इन्फिनिटी, इन इंटरवल्स में डिवाइड करो, इनमें टर्म वाइज चेक करो किसमें इंक्रीज कर रहा है किसमें डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले इस इंटरवल में बात देखें, इंटरवल इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट हम पुट करके जाएंगे, मैं माइनस टू पुट करता हूँ क्योंकि माइनस टू भी सीधा ये पॉइंट इंटीग्रल पॉइंट माइनस वन से, तो माइनस टू इसमें वैल्यू पुट करें देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर होगा फोर, फोर माइनस वन थ्री अपॉन फोर, एक पॉजिटिव क्वान्टिटी आती है, क्या आ रहा है फ्लैश एक्सिस पॉजिटिव या फ्लैश एक्सिस ग्रेटर देन जीरो ही आ रहा है, इसका मतलब therefore fx is strictly increasing on minus infinity to minus 1, ये simple रूप से strictly increase कर रहा है, दूसरे interval में check करो, in the interval minus 1 to 1 f dash x किसके बराबर आएगा, इस इंटरवल का पॉइंट क्या होगा, जीरो पुट करो, तो इसके बीच में लाइक करते कोई भी पॉइंट पुट करना है, जीरो पुट करें इसमें देखो ये क्या आ जाएगा, जीरो नॉट डिफाइंड है, नॉट टू जीरो हो जाएगा, रैंडम जीरो पुट करना किसी और पॉइंट पुट करो, जीरो पे नॉट डिफाइंड है यहां द इंटरवल दिस एक्सेप्ट जीरो लिखो, एक्सेप्ट जीरो क्योंकि जीरो तो इस इंटरवल का पॉइंट है, जीरो पे नॉट डिफाइंड है पुट करना। तो इसमें देखें यहाँ की कंडीशन ये होगी नहीं, इसमें देखना एफ शुड नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें देखें किसके बराबर आ जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो और कोई पॉइंट पुट करो, वन अपॉन टू पुट करो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, या वन अपॉन टू को जीरो पॉइंट, चलो वन अपॉन टू पुट कर ये आ जाएगा वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, इससे बराबर आया है वन अपॉन टू होल स्क्वायर होता है वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर, तो इस वन अपॉन फोर का जीरो पॉइंट टू फाइव, जीरो पॉइंट टू फाइव में से एक है तो इसमें जीरो पॉइंट सेवन फाइव अपॉन जीरो पॉइंट सेवन फाइव आ रहा है, तो ये किसके बराबर, जीरो पॉइंट सेवन फाइव अपॉन जीरो पॉइंट टू फाइव आ रहा है, तो और आगे क्या है एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, नेगेटिव से तो कुछ नहीं डायरेक्ट मिल गया लेस देन जीरो, इसको हम इस इंटरवल में fx is strictly decreasing on minus 1 to 1 except zero interval quantity decrease कर रहे हैं और in the interval इस इंटरवल पे वो क्या है 1 to infinity हम चेक करें फंक्शनल डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि वन से ग्रेटर कोई भी पॉइंट पुट करोगे पॉजिटिव नंबर देगा, ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी देता है वन से ग्रेटर, कोई वन से वन टू पुट करो तो ये आ गया थ्री वन फोर ही बने, इससे फिर से फंक्शनल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, इज इक्वल टू देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन this 0
अपॉन टू इज इक्वल टू इज करना है। नाउ हमारे पास इंटरवल आई क्या है, इन दोनों इंटरवल से यूनियन, इंटरवल बाई आई क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस वन टू वन ओपन इंटरवल आई किसके अलावा, इसके अलावा आर के अलावा किसके अलावा, इसका मतलब नीचे से ऊपर ये कौन सी इंटरवल आ रहा है, इन दो का यूनियन माइनस इनफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफिनिटी की बात है, मतलब इसका मतलब इसे इक्वल के आई इसके अलावा दे दो के लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन बी से अलावा एफ एक्स स्ट्रिक्टली strictly increasing on this interval I this interval to consider strictly increase कर रहा है। next देखो 14th 15th question कितनी हो गया 16 17 इस equation solve करता हूँ, ये दोनों related हैं, मैं 17th question निकालता हूँ, मैं function prove करना है, function क्या हमारे पास log of cos x strictly increase कर रहा है किस interval पे 0 to pi by 2 और स्ट्रिक्ट प्लीज कर रहा है 3/2 तो पाई इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट प्लीज कर रहा है। तो इसने जो फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो वी हैव एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स के बराबर एक फंक्शन है विच इंप्लाइज दैट इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लॉग फंक्शन से डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन कॉस एक्स और फिर से कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स और ये बनेगा साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आया। तब इन इंटरवल्स को चेक करो, इंटरवल पहला इंटरवल कौन सा है हमारे पास 0 to pi by 2 ओपन इंटरवल, इस इंटरवल में हम देखें तो हमारे पास क्या आता है 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x इज ग्रेटर देन 0 Decreasing on 0 to pi by 2 is equal to function where strictly decrease कर रहा है। दूसरे इंटरवल किस पे चेक कर रहे हैं, इंटरवल pi by 2 to कौन सा 3 pi by 2 to pi that is fourth quadrant 3 pi by 2 to pi fourth quadrant में, तो fourth quadrant में tan function फिर से negative value देता है, sorry fourth quadrant में फिर से negative होता है, tan function negative होता है tan is less than 0 और tan function negative इसका minus tan x क्या आ जाएगा greater than 0 आ रही है positive और minus tan x positive इसके मतलब क्या है which implies that function का derivative greater than 0 आएगा, function का derivative greater than 0 इसका मतलब therefore fx is strictly increasing on 3 pi by 2 to 2 pi is equal to continuous strictly increase कर रहा है, हो गया ये तो इस इंटरवल में increase कर रहा है, इस इंटरवल पे increase कर रहा है। next इसके question number 18 simple question, इसको आप कहीं भी solve करो polynomial function है increasing होगा ही होगा हर एक नंबर पे, और question number 19 which
देखो हमारी कुछ ऐसी क्वेश्चन याद रखो। देखना है नेक्स्ट कलम पढ़ेंगे टेंजेंट और नॉर्मल्स की इक्वेशंस।